वालेकुम, मैं हूँ महफूज मनास। आज मेरी यू पहली रेसिपी है और मैं बना रहा हूँ पकोड़े। तो मैं उसकी रेसिपी और मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले मैंने प्याज काटा है, उसके बाद ये आलू काट रहा हूँ, ये ऐसे लंबे काटे, ये काट लिए, इस पे प्याज भी मिक्स कर लिया काट के। अब इसमें मसाला जार डालेंगे। सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ इसमें पुदीना, हरा धनिया, ये डाला। इसके बाद ये मसाले जार, ये डाला मिर्च है, अजवाइन है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर, साबुत धनिया क्रश और साल्ट है, थोड़ी सी हल्दी है, कसूरी मेथी है। अब ये सारी चीज़ें इसमें डालेंगे, ये मिक्स, ये डाल दी। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये बेसन है, ये बेसन डालेंगे इसमें, एक दो तीन चार पाँच टेबल स्पून बेसन डाला है। ये हमने मैदा डाला है इसमें, मैदा इसलिए डालते हैं कि इससे पकौड़ा खस्ता और मज़ेदार होता है। ये डालने के बाद अब हम इसको मिक्स करेंगे, हाथ से या चम्मच की मदद से इसको हम मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें पानी डालेंगे, अगर बेसन कम हुआ इसमें अब बेसन और डालेंगे, ये बेसन कम है। अब इसमें हम ये तीन चार टेबल स्पून पड़े, ये हम इसमें सारे मिक्स कर देते हैं। ये मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे एक गिलास पानी का, ये पहले थोड़ा सा डाला, उसके बाद हमने इसको मिक्स करना है। ये हाथ की मदद से इसको मिक्स करेंगे, ये हमने पानी थोड़ा सा और इसमें डालना है, ये जो बचा हुआ था सारा पूरा एक गिलास पानी डाल दिया। इसके बाद हम ये ऑयल रखा हुआ है तलने के लिए, ऑयल जब गर्म होगा उसके बाद हम इसमें ये डालेंगे मिक्स करके। बेसन का मसाला तैयार हो गया पकौड़ों के लिए। अब इसमें हमने ऑयल रखा था बताइए गर्म होने के लिए, ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें ये डालते हैं पकौड़ों का मटेरियल, ये हमने डाला, ऑयल गर्म हो गया है, ज़्यादा गर्म भी ना हो, ठंडा भी हो तो नीचे चिमट जाता है जिससे पकौड़े सही नहीं बनते, और ये ऑयल गर्म है। अब इसमें हम ये पकौड़े डाल रहे हैं, आज मौसम बहुत बहुत प्यारा सुहाना है, हमने सोचा कि हम ये रेसिपी भी बना लेते हैं और साथ हम खुद भी खाएँगे और शेयर भी करेंगे। और ये अब हमने इसमें डाल दिए, ये अब ये हो रहे ब्राउन हो रहे हैं, हल्के हल्के ब्राउन हो रहे हैं पकोड़े। अब देखना है कि ये तैयार होंगे तो फिर निकालेंगे, अभी तो ये हो रहे तैयार हो रहे हैं पकौड़े, तैयार हो गए, ये ब्राउन हो गए, इनका कलर देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा खस्ता। अब इनको हम निकालेंगे, ये निकाले, ये देखें, ये हमारे पकोड़े तैयार होंगे माशाल्लाह। ये देखें, ये नरम और ये खस्ता पकोड़े, ये देखें बहुत ही प्यारे और अंदर से बाहर से तैयार हो गए। इनका कलर देखें बहुत ही अच्छे, और आप ख़ुद भी इनको चेक करें जैसे मैंने तरीका बताया। अब इस रेसिपी को आप भी ट्राई करें और खाएं और चेक करें कि कैसी बनी है। ये हमारे पकौड़े तैयार हो गए,
और इनको केचप के साथ खाएंगे। और ये पेश कर रहे हैं भाई नवाज और अयाज साहब को, ये बताएं कि रेसिपी के बारे में कि कैसे बने ये अभी हम महफूज भाई आपको खा के बताएंगे, एडवांस हम बता नहीं सकते कि कैसे पके हैं। आया था तो शुरू करा। बिल्कुल जी, बड़ी मेहरबानी। माशाल्लाह वैसे ही महफूज भाई के हाथ में जायका है, लेकिन ख़ास कर जो पकोड़े ना आज के जो है मौसम के लिहाज से बहुत अच्छी और रेसिपी पकोड़े जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं। बहुत अच्छे जी पकोड़े आपके। अब मुझे इजाज़त दें महफूज फूड और महफूज मनास को पंजाब गंगा चोटी से नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।